इस पंखे को बनाने के लिए हमें ये दो नट बोल्ट चाहिए, ये मशीन चाहिए और ये कूलर की एक पंखड़ी चाहिए। और इसके आपको टर्न गेन बता देता हूँ, आरपीएम कितने हैं। इसका एक चक्कर घुमाएंगे तो ये 10 चक्कर काटेगी, ये 10 चक्कर। तो हम इसे सेट करते हैं, सेट कैसे करेंगे तो फिर हमें सेट करना है तो इसको इसमें लगाना है और ये डेबरी लगाना है, पहले वॉशर डालना है और डेबरी लगाना है। डेबरी लगा के इसे टाइट करना है, फुल टाइट कस देना है। इस प्रकार ये टाइट हो गया, फुल टाइट कसना, नहीं तो ये खुल जाएगा, खुल के भगी जाएगी, ये पंगड़ी टूट जाएगी। तो ये कसने के बाद इस प्रकार घुमाना है, जितना तेज घुमाओगी उतनी ज़्यादा हवा आएगी। इसे चला के बताता हूँ मैं आपको कैसे चलता है। ये घुमाने पे ये चलेगा इस प्रकार, जितना तेज घूमेगा ये उतना राउंड ज़्यादा ये पांगड़ी घूमेगी इस प्रकार। ऐसे घूम रहे, बहुत स्पीड आ रही है इसकी, बहुत ज़्यादा स्पीड है। आप देख रहे हो कूलर चलता है उससे भी ज़्यादा स्पीड है इसकी, और ज़्यादा जोर भी नहीं आ रहा है। ये छोटा सा बच्चा भी इसे घुमा सकता है। मैं आपको इसको उल्टा और सुलटा दोनों साइड घुमा के बताता हूँ, दोनों साइड घूम रहा है ये। और इसे अब मैं आपको हवा चेक कराता हूँ कितनी देता है कितनी नहीं देता है। ये फ्री है, ये लगा के बताएंगे। आप देख सकते हो कितनी उठ गई है, ये इतनी हवा रही है, और तेज घुमाने पे और तेज घूमेगा ये। देखो अब, देखो अब देखो कितना तेज चल रहा है, ये बहुत तेज है, हवा आ रहा है। ये हाथ का पंखा है, ये हाथ का जुगाड़ है, बहुत अच्छा है। बिजली चली जाए तो हवा देता है ये बहुत, और इसमें कोई खर्चा नहीं आएगा, कोई खर्चा नहीं है इसमें। तो दोस्तों मेरे वीडियो को लाइक करना, और जिस भाई ने सब्सक्राइब नहीं किया है उस चैनल को सब्सक्राइब भी करना मेरे चैनल को। और मैं अगले वीडियो में इसका ऐसी वीडियो बनाऊंगा, इसकी जो ये अपने आप चलेगा, इसका ऐसा जुगाड़ बनाऊंगा कि ये अपने आप कैसे चले, अपने आप ही चले, बिना घुमाए भी नहीं, अपने आप चलना चाहिए बिना बिजली के। तो मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो, वीडियो कैसा लगा लाइक कर दो, और आपकी क्या राय है इसमें तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना।